आप सभी का सिवाल क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको मोशन चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जितना टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा है, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर रिलेटेड ही कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ। तो आपके सामने पहला एग्जाम्पल है, यहाँ है एक कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी वो स्पीड 40 फिक्स। एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और अगली 30 किलोमीटर वो स्पीड कवर कर रही है 20 की स्पीड से। अगली 30 किलोमीटर की दूरी वो कार 20 की स्पीड से कवर कर रही है, तो उसकी हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड। तो बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों के याद है अच्छी बात है, जो भूल गए उनके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों, हमें यहाँ टोटल डिस्टेंस तो पता है, एक तो टोटल डिस्टेंस एक 30 है और प्लस 30, यानी शुरू की 30 किलोमीटर और ये बात की 30 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस यहाँ 60 किलोमीटर है। हमको टोटल टाइम निकालना है, ठीक। टाइम फोर फर्स्ट 30 किलोमीटर, शुरू की 30 किलोमीटर के लिए अगर हम टाइम निकालते हैं तो यहाँ एक स्पीड का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम निकालूँ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो फर्स्ट 30 किलोमीटर का टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड कितनी है शुरू की 30 किलोमीटर के लिए, 40, तो कितना टाइम आ गया, 3/4 आवर। इतना टाइम लग रहा है शुरू की 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट 30 किलोमीटर कवर हो रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम 4 नेक्स्ट 30 किलोमीटर। तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, तो ये टाइम कितना होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ जो टाइम लगा वो कितना लगा, 3/2 आवर। तो मैं अगर टोटल टाइम निकालू तो दोनों टाइम को ऐड कर देते हैं, T1 प्लस T2। तो T1 कितना है, 3/4, और T2 कितना है, 3/2। तो बच्चों, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ना आ गया ही 9/4, ठीक है बच्चों। ये 4 LCM आया, 4 ये 1 आएगा तो 3, और यहाँ 2 2 4, और 2 की प्रोडक्ट ऊपर कराएंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3 9, 9/4, 9/4 आवर। इतना टाइम लगा टोटल टोटल डिस्टेंस को कवर करने में। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितना, 30 प्लस 30, और अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है, 9/4 आवर। तो कितना हो गया, 60 अपॉन 9/4, ये 4 जाएगा ऊपर, 60 × 4/9, 3 और 20, 80/3 किलोमीटर पर आवर। तो 80/3 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड यहाँ आ रही है, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, एक 120 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, जहां पर एक ट्रेन शुरू की 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है, यानी वो ट्रेन 120 मीटर के ट्रैक में स्टार्टिंग की 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से ट्रैवल करती है, और नेक्स्ट 90 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रैवल करे, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू द एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप, यानी उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमको एवरेज स्पीड गिवन है, एवरेज स्पीड एंटायर ट्रिप की गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर है। हमें यहाँ ये बताना है कि सेकेंड हाफ, यानी वो जो बची हुई 90 किलोमीटर थी, वो किस स्पीड से ट्रेन ने ट्रेवल किया होगा, ठीक। तो मैं वही लेट कर लेता हूँ, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इन नेक्स्ट 90 किलोमीटर विल बी एक्स, ठीक। तो मैंने ट्रेन की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर
लेट कर ली कि अगली 90 किलोमीटर के लिए ट्रेन एक्स की गति से, एक्स की स्पीड से चल रही है, ठीक। तो अगर हम टाइम निकालें, टाइम फोर, बाकी सेम क्वेश्चन आप ऐसे ही करते चले जाइए जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही। टाइम फोर, फर्स्ट 30 किलोमीटर, तो स्टार्टिंग के 30 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? देखो शुरू के 30 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो स्पीड वहां 30, ठीक। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब 30 किलोमीटर की डिस्टेंस, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम चलते हैं तो सिंपल है, 1 घंटे में वो डिस्टेंस कवर हो जाएगी। तो शुरू के 30 किलोमीटर को कवर करने में जो टाइम लगा वो 1 आवर लगा है। नेक्स्ट, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल? अब नेक्स्ट 90 किलोमीटर के लिए हम निकालते हैं, तो टाइम फोर नेक्स्ट 90 किलोमीटर, मान लो T1 है, नेक्स्ट 90 किलोमीटर का टाइम T2 हो गया, तो इसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है बच्चों। तो डिस्टेंस कितनी? डिस्टेंस हमारे पास 90 किलोमीटर गिवन है, स्पीड हमने एक्स लेट की हुई है, तो इतना टाइम 90/x आवर्स यहाँ लग जाएंगे बाद की आधी डिस्टेंस या बाद की बची हुई 90 किलोमीटर कवर करने में, ठीक। तो अगर मैं टोटल टाइम निकालूं तो टोटल टाइम कितना आ गया? टोटल टाइम आ गया 1 प्लस 90/x, 1 प्लस 90/x, क्लियर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड कितनी आनी चाहिए? 60। क्वेश्चन में कह रखा है कि एवरेज स्पीड टोटल एंटायर ट्रिप की 60 हो, टोटल डिस्टेंस में गिवन है कितनी है? टोटल डिस्टेंस 120, तो टोटल टाइम 1 प्लस 90/x आवर्स, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 1 प्लस 90/x यहाँ आया और ये 2 इधर है, ये 1 अगर मैं उधर भेज दूँ तो 90/x इक्वल्स टू 1 बचेगा, 2 माइनस में चला जाएगा, ये तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन बची हुई डिस्टेंस 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ है ए मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड। एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो रेस्ट से चलता है, यानी वो रुका हुआ था और वो चलता है और उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगी फॉर 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड लगे उसको रेस्ट से अपनी स्पीड को 6 मीटर पर सेकेंड करने में। वाट इज हिज एक्सेलरेशन? तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा हमें ये बताना है। तो गिवन जो हमें क्वेश्चन के अंदर है मैं वो इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि वो रेस्ट में था, रेस्ट में मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चे? इनिशियल वेलोसिटी, अरे जब रेस्ट में था तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो बढ़ के हो गई वो कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड। और उस मोटरसाइकिल ने जो एक्सेलरेशन लिया वो 3 सेकेंड तक लिया, यानी कि क्या गिवन है हमें? टाइम, टाइम गिवन है 3 सेकेंड, ठीक। हमसे पूछा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको बताई हुई है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, तो कितनी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया? v से u से v हो गई, यानी v में से मैं u माइनस कर देता हूं और टाइम अपॉन, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस u बाय t। तो a इक्वल्स टू v, v है 6 माइनस 0 बाय t कितना है? 3 सेकंड, तो 6/3, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, यूनिट अच्छे से ध्यान रखना, सभी कोई यूनिट अगर गलत होगी तो उसके मार्क्स आपके कैंसिल हो जाते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल था। वो रेस्ट से चला, उसको 3 सेकेंड लगी अपनी स्पीड को 6 मीटर पर सेकेंड करने में, तो एक्सेलरेशन बताना है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 6 और टाइम के प्लेस हमने 3 पुट कर दिया और सॉल्व करके आंसर हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 है, इफ अ बस ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ स्टेडी डी एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक बस
जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी वो डीएक्सलरेट हुई। देखिए डीएक्सलरेट होने का मतलब है एक्सेलरेशन का घटना यानी माइनस में जाना, या मैं कह सकता हूँ रिटार्डेशन, मैंने आपको पढ़ाया था है ना, तो वो बस रिटार्ड हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट, तो उसे रेस्ट में आने में कितना टाइम लगेगा। तो गीवन जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है हम वो लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ गीवन है कि एक बस की जो स्पीड थी वो कितनी थी, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली वो कहाँ आ गई, रेस्ट में, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। और डीएक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन लेंगे लेकिन माइनस में, तो एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ विल इट टेक टू कम टू रेस्ट, हमें इसमें बताना है कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मीन्स क्या है, टाइम, कितना टाइम यहाँ लगेगा हमें इसे रेस्ट में आने में। ठीक है, तो एज वी नो, जैसा कि हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक, तो ए की वैल्यू है -5, वी है 0, माइनस यू की वैल्यू है 20 अपॉन टाइम टी। ठीक, तो ये बच्चों -5 और ये हो गया -20 और टी, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5 4 20 हो गया, तो टी इक्वल्स टू कितना आ गया 4 सेकेंड। तो उस बस को 4 सेकेंड लगेंगे डीएक्सलरेट होने में यानी रेस्ट में आने में, कितना टाइम लगेगा बच्चों 4 सेकेंड। ये आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल, जिसके अंदर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर एक ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ये दोनों ही टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस आर है। ठीक, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ साइकिल वुड बी, अगर ये आधी साइकिल, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है और वो यहाँ आ गया, आधा साइकिल उसने कवर कर दिया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट मुझे बताना है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी तक मान लीजिए आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये तो सर्कल का सेंटर है, ये डिस्टेंस आर, ये आर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 आर। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस ऑब्जेक्ट का, वो इनिशियल फाइनल पोजिशन के बीच की डिस्टेंस हम लेंगे, और वो ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता हुआ यहाँ आया है ऐसे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये है, तो आर प्लस आर कितना हो गया 2 आर, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताइए, तो उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस थी वो ये होती, और ये क्या है, सर्कमफेरेंस का आधा, सर्कल की सर्कमफेरेंस का आधा, यानी 2 पाई आर का हाफ, तो कितना आंसर होता पाई आर, लेकिन कब, जब आपसे डिस्टेंस पूछी गई होती तब। क्लियर, नेक्स्ट मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी 0 फॉर अ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी के लिए इनमें से कौन कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है। तो देखिए जब डिस्टेंस वाला वीडियो थी उसके अंदर आपने देखा होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी 0 नहीं हो सकता, किसके लिए, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस 0 कैसे होगी, कुछ ना कुछ तो चलेगा ही, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। एवरेज स्पीड क्या 0 हो सकती है, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड कुछ ना कुछ तो पक्का निकलेगी। बच्चा डिस्प्लेसमेंट, हाँ उस वीडियो में हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का 0 होता है। अब बात करें अगर हम एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो सकता है तो हाँ श्योर उसकी एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो सकती है। तो इसके क्या है, 2 ऑप्शन करेक्ट है, ए और डी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सभी एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में जानेंगे, तब तक आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।